चलें पॉलिटिकल हालात जो भी हैं और मुल्क की जो मुआशी हालत है वो अपनी जगह पे, लेकिन एक कम अज़ कम उम्मीद जिससे ज़िंदगी गुजारनी है वो भी ख़त्म होती जा रही है। यानी वो उम्मीद जिससे कम अज़ कम ज़िंदगी का हम अगला कदम रख सकते हैं कि जी कल का दिन भी आना है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं खुदा ना खास्ता सब कुछ कल ख़त्म हो जाना है। अच्छा, उससे बड़ा सितम ये है, उससे बड़ा सितम ये है कि आप ये देखिए, आप ये देखिए कि रोज़ में रोज़ हम देखते हैं कि इस मुल्क में कई लोगों की तनख्वाह ही सिर्फ इस चीज़ की है कि उन्होंने नाउम्मीदी फैलानी है। यानी मैं हैरान कन बात आपको बता रहा हूँ कि उम्मीद जो कि दीन है, उम्मीद जिसके बारे में एक दफ़ा इशफाक अहमद साहब से किसी ने पूछा कि इशफाक साहब गारंटी दें किसको डिप्रेशन नहीं होता, किसको डिप्रेशन नहीं होता। इशफाक साहब ने कहा ईमान वाले को डिप्रेशन नहीं होता, उसको कोई नफसियाती गोली नहीं खानी पड़ती, क्योंकि ईमान वाले का जो तवक्कल है उसका मफहूम उसको समझ आ जाता है कि कल भी अल्लाह वारिस है। अगर माजी में अल्लाह वारिस था, माजी में अल्लाह पालने वाला था, तो आज पाल रहा है तो कल क्यों नहीं पालेगा। अच्छा, जब हम नहीं होंगे और हम किसी नारोवाल के कब्रिस्तान में पड़े होंगे और हमारे नाम की तख्ती लग जाएगी, उसके बाद वो हमारे बच्चों का भी वारिस है, वो हमारी अगली नस्लों का भी वारिस है। अगर यही फिक्रमंदियाँ आपके दादा परदादा के पास होती जो कि नहीं थी, मेरा पूरा यकीन है ये पाकिस्तान में 30 साल में जो जवाल आया वो जवाल सोच का जवाल है, वो रवैयों का जवाल है, वो लाइफस्टाइल का जवाल है, वो एक नज़रिए का जवाल है। और हम ये भूल गए हैं कि जो रब पिछले 10-20-30 साल वारिस था वो आइंदा भी वारिस रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से बात समझाता हूँ। एक दफ़ा मैंने एक्सरसाइज करवाई, यहाँ तो टाइम बड़ा शॉर्ट है, इस एक्टिविटी को मैं क्लासरूम में करवा देता हूँ। मैंने किसी जगह पे कुछ 40 लोग मौजूद थे और सबके सब हाई प्रोफाइल थे, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे, जुडिशरी के भी थे। मैंने न्याजी साहब सबको एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आज की डेट लिख लें। उन सब ने आप बल्कि अभी करें अपनी आज की डेट, मैं भी लिखता हूँ, ये मैंने लिखा जी आज 17 तारीख है जी सर, 17 जनवरी, और नीचे साल लिख लें क्या है जी 2023, और उसे ऐसे सर्कल कर लें, उसको राउंड कर लें अपनी कॉपियों पे, निकालें जरा कॉपियां प्लीज लिख लें आज की डेट और आज का साल लिख लें जी। ये जब आपने लिख लिया है, लिखने के बाद आपने इसके नीचे एक लाइन लगानी है और एक और डेट लिखनी है। ये लिख लें तो फिर मेरी तरफ देखें, फिर मैं अगली डेट बताऊंगा। आज की डेट 17 जनवरी 2023 लिख लिया जी। अब आप नीचे डेट देखें 17 जनवरी 2013, 10 साल पीछे लिख लिया जी आपने। अब आप जहनी तौर पे तखयुल की ताकत से 17 जनवरी 2013 में चले जाएं, मैं भी चला जाता हूं, मैं यकीन और ईमान से कहता हूं कि 10 साल पहले जो आपकी हालत थी आज उस हालत से 100 गुना बेहतर हालत है। तो अंदर से आवाज क्या आनी चाहिए, दिल से कलेजे से, क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके पहले से वसाइल बेहतर हुए, आपके घर का साइज बेहतर हुआ होगा, आपकी गाड़ियां बेहतर हुई होंगी, आपकी तनख्वाह बढ़ी होगी, किसी की तनख्वाह पहले नौकरी लगी नहीं थी नौकरी लग गई होगी, किसी की राइट पोस्टिंग नहीं थी राइट पोस्टिंग पे बैठा होगा, कोई उस वक्त वेटिंग पोस्टिंग था वो इस वक्त पोस्टिंग पे बैठा होगा, किसी के 1000 चैलेंज थे आज वो चैलेंज खत्म हो चुके हैं। तो सारे जरा मिलकर एक दफा कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बात, नई डेट लिखे जी, लाइन लगाए नीचे, अब लिखे 17 जनवरी 2003, 20 साल पीछे चले जाएं। 20 साल मैं पीछे जाऊं तो मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश थी कि अगर 15,000 रुपये की नौकरी मुझे किसी सितारा केमिकल से, दाऊद हरकुलेस किसी जगह से मिल जाए तो यकीन करें लॉटरी है। सवारी की ख्वाहिश इतनी थी कि जो CD70 है पुरानी, अगर मैं बड़ी हद मेहरान खरीद लूँ एक गाड़ी तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है। किराए का घर है, इस किराए के घर से अगर 3 मरले का भी घर मुझे मिल जाए तो अल्लाह का बड़ा ही करम होगा, और बाद में अल्लाह शादी कराए औलाद दे तो फिर भी अल्लाह का करम। ये ख्वाब मैं आपको बता रहा हूँ आज से कितने 20 साल पीछे जाके। सर मैं 20 सालों से आज के दिन पे आप आएँ और मैं तखयल में आंखें बंद करके सोचूँ कि आज जो सुबह हम नाश्ता करके घर से निकले हैं, सवारी क्या थी, दफ्तर आए हैं, साहब सलूट क्या हो रहा है। सर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर फिर डेट नीचे लिखें, दोबारा नई डेट लिख लें, अब डेट है 17 जनवरी 1993, 17 जनवरी 1993, आप 30 साल पीछे गए हैं। मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था और
और आठवीं क्लास में अपनी साइकिल पे दो बच्चे बिठा के बुखार की हालत में भी मैं जिस स्कूल की तरफ जा रहा होता था, उस स्कूल के रास्ते में एक घर आता था जिस घर के बाहर एक क्लीन शेव बुज़ुर्ग खड़े होते थे। शायद मैंने उनको नहीं देखा लेकिन इतना पता है कि वो खड़े होते थे वो, और वो शायद मुझे देखते होंगे और सोचते होंगे कि यार ये एक मजदूर का, एक आम से क्लर्क का बच्चा है जो दो दो दोस्तों को बिठा के बुखार की हालत में भी साइकिल चलाता हुआ स्कूल जा रहा है, कोई दुआ दे दी होगी उन्होंने। उस बुजुर्ग का नाम था वासिफ अली वासिफ। और मैं अगर फिर और पीछे जाऊं तो मैं 17 जनवरी 1983 लिख देता हूं। आप भी लिखना, आप में से तो दो चार ऐसे भी नजर आ रहे जो पैदा भी नहीं हुए लेकिन मैं तखयल की ताकत से जाऊं तो हम तीन बहन भाई मिट्टी वाला चूल्हा, माँ सुबह सुबह बिठा के ना हमें वो रोटी जब देरी होती थी स्कूल के लिए तो हम तीनों लड़े होते थे। ए मेरी पहली है ते दूजी है दी, अंडा खाना है ते मिठी डबर रोटी खानी है। ते जदू तीनों कट्ठे बोलते सा ना ते माँ कहती सी चुप करो एक एक करके बोलो। और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि कायनात जिन्या मखलूकात ने, पहले सुन लो किनिया मखलूकात ने, गूगल से चेक करना, 8.7 मिलियन मखलूकात हैं, 87 लाख मखलूकात जिसमें से एक मखलूक का नाम इंसान है, और इंसान कितने, 7 अरब हैं इस दुनिया पे। ये 87 लाख मखलूकात, हर मखलूक अगर अल्लाह को एक वक्त में पुकारे तो अल्लाह एक एक ही अलहदा सुनता, यह है समियो बसीर होना उसका। और हम ये किसी वहम में है कि वो नहीं सुनता। सर जिसको यकीन है सुनता है, उसकी मोटिवेशन कायम रहती है। मोटिवेशन उसकी ख़त्म होती है जिसको कल पे यकीन कोई नहीं है। सो 1983 में मैं वो एक कमरे का पोर्शन, लाहौर शिफ्ट होने के बाद गुजरात से, वो तीन बहन भाई हम बैठे हैं और मैं वालदा वो हमें जो रोटी दे रही है डबल रोटी मिट्टी बना के दे रही है, सर मुझे तो अपनी औकात याद है, मुझे अपनी औकात याद है कि मैंने सफ़र कहाँ से शुरू किया। आज के दिन में अगर मैं सोचूँ और 1983 से खड़ा होकर इधर देखूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर जी आप पैदा हुए थे ना, आप में से किसी के दो फूलियाँ, तीन फूलियाँ, चांद तारा नहीं लगा हुआ था। ऐसे नहीं हुआ था कि दाई ने बाहर आके जी सब इंस्पेक्टर हैं, हंस सकते हैं, मुस्करा सकते हैं, अंडर प्रेशर ना हो, मैं खुली बात कह रहा हूँ। कोई ऐसा तो नहीं हुआ था कि जनाब मैं पैदा हुआ गुजरात अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा जी सीधा मोटिवेशनल स्पीकर है, पैदा ही होया या जनाब नहीं, बच्चा पैदा नहीं होया, नाल वर्दी भी लैके आया या मुकाबले का इम्तिहान भी पास हो गया। सर खाली हाथ आए थे, ये सुन लीजिएगा, आपसे कुछ सालों के बाद जब आपने जाना है तब भी खाली हाथ जाना है। आपके जाने के बाद किसी एक को याद नहीं रहना, आप DSP थे, सब इंस्पेक्टर थे, SHO थे, DPO थे, DC थे, पता है याद क्या रहना है, ऐ बंदा चंगा सी। और हजूर की हदीस का मफहूम ये है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 40 बंदे अगर उस दिन गवाही दे देंगे ना ये ठीक था, नेक था, आपकी बख्शिश पक्की है। सर ज़रा सोचिए 40 उस दिन वो आ गए जिनकी ज़िमनियाँ ख़राब हुई थी, जिनको आपने इंतज़ार कराया था बार बार, दो जिन पे आपने झूठा पर्चा करवाया था, जिनको आपने खजल किया था। सर मेरा जुमला ये लिख के रख लीजिएगा, जो दूसरों को खजल कर रहा है उसकी नस्लें खजल होती हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो आम लोगों से हटके है, मैं पहले बता दूं आपको, मुझे अल्लाह ने जजों को भी पढ़ाने का मौका दिया है, मुझे पुलिस को भी पढ़ाने का मौका दिया है, मुझे ब्यूरोक्रेसी को भी पढ़ाने का मौका दिया है, मुझे फौज को भी पढ़ाने का मौका दिया है। मैं इन इदारों को उस तरह ही जानता हूँ जिस तरह आप और मैं जानते हैं, मैं दावा नहीं करता आपसे ज़्यादा लेकिन उस तरह ही जानता हूँ, मुझे भी उसी तरह पता है कि ये क्या होता है निज़ाम और क्या होता है चीज़ें और क्या होता है प्रेशर। सर जी मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, मुअत्तल हो जाएं, खैर है उधर से मुअत्तल नहीं होना, वेटिंग पोस्टिंग हो जाएं, इंक्वायरी खुलवा लें, उत्थे खुल गई इंक्वायरी तो ताड़ा बचना कख नहीं जे। और यह यकीन रखना बंदा जिधर जा रहा होंदा है, जुमला नहीं भुलना, जिधर जा रहा होंदा ना उधर की खुशबू आने लग पैंदी है। तुसी कदे तंदूर दे वल जाना शुरू करो, ज्यों ज्यों कोल आओगे ना तंदूर की तपिश आएगी। तुसी कदे फ्रिज खोल के तो वो वल टुरना शुरू कर दो, ज्यों ज्यों फ्रिज वल आओगे तो ठंड आना शुरू हो जाएगी। हजूरे वाला जिसने जहन्नुम में जाना होता ना उसकी ज़िंदगी में जहन्नुम होना शुरू हो जाता, और ज़िंदगी जहन्नुम तब होती है जब बंदा औलाद के हाथों खजल होता। ज़िंदगी जहन्नुम तब होती है जब गाड़ी वसायल सब चीज़ें हों, घर हो, बिस्तर हो,
और गोली खाने के लिए लेक्सोटल खानी पड़ी, नींद की गोली के लिए आपको, उसके बगैर नींद ना आती, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है? पूरी दुनिया आपको फॉलो कर रही हो, सक्का परा फॉलो ना कर रहा हो, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है? सारी दुनिया के जी लीडर है साडा, बेगम के फारग तुसी गए, सारी दुनिया की मावा के प्यू चुके झोलियां चुके दुआवां मांगने ने, जींदा रहा मेरा शेर, अपना प्यू कहता फारग है, तुसी फारग हो गए। जुरे वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। कामयाब वो है, दुनियादारी की बात कर रहा हूँ, जो मुतमईन है, जो अपनी नींद सोता है, जो अपना काम मुकम्मल करके कहता है या बारी ताला आज दा पूरा, कल वेखांगे हूँ उठांगे थे। कामयाब वो है जिसकी, वासिफ साहब का बड़ा अच्छा जुमला है आपने फरमाया, जिसकी औलाद राजी है उसकी दुनिया बन गई, जिसके वालदैन राजी हैं उसकी आखिरत बन गई। आपने जन्नती होने का पूछना है, अपनी माँ से जाके पूछें, माँ मैं जावांगा जन्नत, वो दसेगी तानू। अपने प्यू को पूछो, वो राजी है, वो राजी टुर गया है, तुसी जन्नत जाओगे। जो राजी नहीं गया, ये भी किसी ने पूछा, वासिफ साहब अगर राजी नहीं गया अब क्या करें? हो जाता है ना, माँ प्यू राजी नहीं गए उनकी करिए, तो वासिफ साहब ने फरमाया ओ माँ प्यू की जी बाकी औलाद है उन्होंने राजी कर लो, वो तो टुर गया। और उही रवैया तुसी अपनाओ जेड़े वो अपनाते सन अपनी औलाद नाल, वो रवैया हुण तुहाडा होना चाहिए वो औलाद नाल, नहीं सके भैन भाइयों नाल। हजूरे वाला, ये सारे के सारे लैक्चर्स की एक सीरीज, मैं पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर साहब का अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ, DPO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पूरे एक डिज़ाइन हुए और मैंने इसमें वॉलंटियर किया। ये बात मुझे वजाहती बयान नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस मुल्क में आप सोने का भी बन के आ जाएंगे, आपको बातें सुननी पड़ेंगी। इसमें कॉन्ट्रवर्सी जो लोग ना झुग्गी अपनी जला के ना तमाशा देख के तालियां मार रहे होते हैं, हालत ये है। कोई अच्छा कर रहा है वो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं कहेगा कासिम अली शाह 50 दिन के लिए बगैर किसी गर्ज के, बगैर एक रुपया लिए 256 लेक्चर मुफ्त के दे रहा है और हर जिले में जाके हर अफसर को किताब भी साथ दे रहा है, कोई ये नहीं देखेगा। वो जी साढ़े को लाख रुपया मांग लिया से, खुदा का खौफ खाओ, वो इन्नी तो गुंजाइश दे दो यार, अल्लाह भी देता है। हम बंदा बंदे को गुंजाइश देने को तैयार ही नहीं है। हम वो सारे फैसले जो क्यामत के रोज़ उन्हें यहाँ करना चाहते हैं, और वो सारे काम जो यहाँ करना वाले हैं, भरा हाल पूछना, किसी मस्कीन दे नाल खड़ा होना, किसी दे नाल कोई नहीं खड़ा, तुसी ओदे नाल खड़े हो जो, ये करने वाले काम है, ये किस पर डाल देते हैं? अल्लाह पर डाल देते हैं। कहते अल्लाह भला करेगा, सर अल्लाह भला तब करेगा आप भला करेंगे, दूसरे का भला आप कर ही नहीं रहे होते। कायनात का सबसे बेहतरीन वाक्या सूदो ज़ियां को समझाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को समझाने के लिए। इकबाल के अल्फाज में सूदो ज़ियां का तसव्वुर अगर किसी ईमान वाले का क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, वो ईमान वाला नहीं है। और ये वाक्य आपको सीरत में जाके मिलेगा, उम्मत की माँ ने बकरी ज़बा करवाई है और गोश्त बांटा। मेरा नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं और आके पूछते हैं कि क्या बचा है। उम्मत की माँ एक छोटा सा टुकड़ा होता है, फरमाती हैं ये बचा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो दे दिया वो बच गया, यानी जो गवाया है वो बच गया, जो ये पड़ा नहीं बचा। अल्लाह की राह में आपने जो किया होता है वो बच जाता है, वो या यहाँ 10 मिलते हैं, 70 आखिरत में मिलते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले हमें उम्मीद पैदा करनी चाहिए। आज का बड़ा DPO साहब चैलेंज ये है, एक नया ASP मेरे पास आ गया। हम ठीक है, मुख्तलिफ इदारों में सिविल सर्विस अकेडमी में लेक्चर देता रहा हूँ, क्लासरूम के लेक्चर की और बात होती है, बाज़ औक़ात एक मेंटोरशिप होती है, 1-to-1 बंदा बैठ के अपना दुख बयान करता है। तो वो मेरे इलाके में पोस्टेड था, तो मैंने उसे कहा कि बेटा अल्लाह करम करे, बड़ी उम्मीद है, बड़ी गुंजाइश है इस मुल्क में काम करने की। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, यकीन करें, आप अगर SHO होते ना कैनेडा के, तुसी मक्खियाँ मारनियाँ सन पूरा दिन, उतर काम ही कोई नहीं है। तुसी नॉर्वे जाके लग जाओ DSP, तुहाडे कोल यकीन करो वेला बैठ के शतरंज खेडन दे काम ही कोई नहीं है। सर इत्थे काम ही काम है, इत्थे ते एक दिन एक सिविल जज को 150 मुकदमा लगा होंदा, इत्थे ते जिस दिन खुली कचहरी होंदी लाइनां लग जांदियां ने, इत्थे ते DC साहब दे बाहर ढेर लगे अज बंदियां दा जिहड़े मिलन आए ने, वो काम तो इधर करने का मौका है, और आप कहते हैं जी बाहर जाके काम करेंगे। और मुझे बताएं, मुहिम ये पुलिस वाले सारे बैठे, मेरा परदादा पुलिस में था, उसने उस दिन रिज़ाइन कर दिया था जिस दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा था, उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी उन्होंने, रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा भाई जी नौकरी, मैं जनाजा पढ़ना। दादा मेरा फौज में था,
मैं आप सबसे गुजारिश करूँ, आप लोगों की जंग मैं लड़ता हूँ। बताऊँ कैसे? मैं जब पुलिस को लेक्चर दे के कहीं जाता हूँ, सहाला में दूँ, चोंग में दूँ, यहाँ पर दूँ, थले लोग लिख देने नहीं ठीक होने। अच्छा मैं कहना पुलिस मैं यूके तो लेके आवा, ये ताड़े भी चूने ना मेरे आ रही ने। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमारा एक रवैया पूरे इदारे की इमेज को ख़राब कर देता, और ये सिस्टम का फॉल्ट है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, ये सिस्टम का फॉल्ट है। एक SHO हेपेटाइटिस सी करवा लेता है, बच्चे रुल जाते हैं, एक गलती करता है वो एक गलती हाईलाइट हो जाती है, 100 नेकियाँ उसकी कोई नहीं बता रहा होता। ये सिस्टम का फॉल्ट, मैं जंग लड़ता हूँ आपके लिए। मैं कितने IGO को जाके मिला हूँ, कितने सबका IGO को जाके मिला हूँ। ये हमें थाना कल्चर सिस्टम को बदलना चाहिए, ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होने चाहिए, ये मेरिट होना चाहिए। एक SHO 24 घंटे हर वक्त वॉकी टॉकी पकड़ के नहीं जी सकता। मैं जंग लड़ता हूँ आपकी, मैं इस इदारे के लिए खड़ा हो जाता हूँ, मैं जगह जगह बात करता हूँ कि हमें पुलिस की इमेज पे बात करनी चाहिए। मैंने अंधेरा उजाला देखा था, उससे मुझे पुलिस से मोहब्बत हुई थी। आज हर इदारे के ड्रामा बन रहा है, हर इदारे के लिए लोग कह रहे हैं, यार पुलिस के लिए क्यों नहीं कह रहा? मैं एम्बेसडर हूँ पुलिस का, आप फिर भी क्लैपिंग नहीं करेंगे? अभी देख, क्लैपिंग जो की है इन्होंने की है, नहीं क्लैपिंग इन्होंने की है हवलदार वाली, अल्लाह ने लगाए फुल DSP वाले, ठीक है। अच्छा अब गुजारिश आपसे ये है कि जब एक बंदा आपके लिए जंग लड़ रहा है, वो सिस्टम को बदलना चाहता है, मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सादा सी बात कर रहा हूं कि अगर लोड SHO का कम किया जाए ये निज़ाम ठीक हो सकता है, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद कर दी जाए ये निज़ाम ठीक हो सकता है, अगर एक SHO को DSP को पता हो कि मैं अपने साहब के सामने खड़ा हूँगा और मैं कहूँगा सर सॉरी, और उसको ये डर ना हो कि मैं मुअत्तल नहीं हूँगा या हूँगा, ये मेरा मसला ही नहीं है, उसके पास इतनी तो जरूरत हो। सर सबसे बड़ा शिर्क ये है कि आप अल्लाह से डरने की बजाय अफसर से डर जाएं, और अफसर से इसलिए डरें कि मुझे मुअत्तल कर देगा। सर राजी कौन है? रब है। सर हक के लिए मुअत्तल हों, मुझे लोग कह रहे हैं जी गालियाँ पढ़नी हैं, मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क के लिए पढ़ेंगी मैं खाऊंगा, और पढ़ेंगी और खाऊंगा। सर आपको एक रात 10 मैसेज आ जाए ना सख्त, आप सो नहीं सकते, आप मुझे देखें मैं सुकून की नींद सो रहा हूँ, फजर के टाइम उठ के नमाज पढ़ता हूँ, जितनी सुकून की नींद मुझे सियालकोट में आई है, जितना सुकून से मैं नारोवाल में बैठा हूँ लाखों गालियाँ सुन के, क्यों? सर उसको पता है मुझे पढ़ी है, ये मेरा गेन है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरी गेन है। सो जब आप अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं ना, फिर तकलीफ कुछ नहीं होती। अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं तो फिर कर्बला में से भी गुजर जाते हैं। अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं तो जहर का प्याला आपको नहीं मार सकता, क्योंकि जहर का प्याला बंदे को मारता है, सोच को नहीं मार सकता। मैं आपको एक सच बता रहा हूं, सिर्फ एक फॉल्ट है हम सबका, हमें जुरत कोई नहीं है। और टुकर हलाल का हो तो जुरत होती है, अल्लाह पे तवक्कल हो तो जुरत होती है, ईमान हो तो जुरत होती है, ये पता हो कि योम हिसाब है जुरत होती है। वो कुरान में कहता है मैं सबसे बड़ा कदरदान हूं, ना अफसर कदरदान है ना दुनिया कदरदान है। वो वादा करता है अगर कदरदानी करानी मेरे से करवाओ, बंदों से ना करवाओ। हम रुलते इसलिए हैं कि कदरदानी किससे करवाना चाहते हैं। और इस पूरे सिस्टम में एक और आपको फॉल्ट बता दूं, ये पूरा सिस्टम खुशामदियों को पैदा कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से बड़े बड़े अफसरों के कमरों में उनके PS और उनके असिस्टेंट्स को डकार मारा अफसर ने, और उसने कहा सर सुभान अल्लाह, और दूसरे ने कहा नहीं लगता है सर ये आपने हार्वर्ड से सीखा था, जो आप लास्ट आपकी जो लगी थी स्कॉलरशिप, तो अफसर जरा मुंह इंज करके ना हाँ जी मुंते दुख है इस गल यार, असी एडे जालम हाँ, असी गलत नू गलत नहीं कह सकते। ईमान का कम अज कम दर्जा यह है कि बुराई को दिल में बुरा जान लो, नहीं हाथ से रोक सकते, नहीं जुबान से रोक सकते, तो कम अज कम दिल में बुरा जानो, नफरत तो करो उससे। क्यों है आप जानते हैं? सर जब आप नफरत करते हैं ना, दिल का दरवाजा बंद हो जाता है, बुराई अंदर नहीं जाती, लेकिन जब आप बुराई को देख के मुस्कुराते हैं तो दरवाजा खुलता है, और वो बुराई फिर आप भी करते हैं। इसमें नफ्सियात की हिकमत ये थी। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी ड्यूटी को, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को खुदा के लिए, अल्लाह के लिए करें, सिर्फ महकमे के लिए ना करें। मैं कोई बगावत कराने नहीं आया कि आज जनाब मुझे बाद में DPO साहब DC साहब कहें शाह जी अगे तो तुसी नहीं आना।
मैं आपको सिर्फ समझाने आया हूँ कि प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले ईमान वाले की तरजीह अव्वल जो है वो रब है, उसके बाद उसकी वो वर्दी और मुलक है, उसके बाद इमीडिएट बॉस है वो उसका इमाम है, उस पर भी हदीसें हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आपका इमीडिएट इमाम है उसके साथ उसकी जो जवाबदेही है वो भी होनी है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप जब काम कर रहे हैं तो टॉप प्रायोरिटी जहन में रखें, वो क्या है, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। सर आज से आज आजमा के देखिएगा, ये सर मैंने चंद दिन पहले, मैं तजर्बे बड़े करता हूँ सर इस तरह से। आई वॉज ट्रेवलिंग, आई वॉज इन पताया, मुल्क से बाहर था, एक कॉन्फ्रेंस में मैंने बात करनी थी, तो मेरी बेगम साहबा मेरे साथ थी। मैं कह लै तेन एक नवा तजर्बा, ईमानदार तजर्बा कराइए। उन्हें कहा जी किस तरह से, किसी इंडियन रेस्टोरेंट तो बह के खाना खा रहे सब, तो पाकिस्तानी आई कोई नहीं, हलाल खाना ही नहीं, सब्जी तो चीज़ा, सामने एक अमेरिकन बैठा से। मैं क्या इनू तू कन्विंस कर, तेरी अंग्रेजी चंगी है, इनू कन्विंस करा दा बिल असी देना। वो अमेरिकन की कैरोगेंस है सर, आप अगर देखें तो वो तो बिल नहीं किसी को देने देते। फाइनली वो आपकी भाभी ने उसे कन्विंस किया कि हम कारमा पे बिलीव करते हैं, यानी अल्लाह के निज़ाम पे यकीन रखते हैं कि जो नेकी करता है वो नेकी उसके साथ हो जाती है। तो फाइनली क्या हुआ कि उसे कन्विंस उसने कर दिया कि हम आपका बिल देना चाहते हैं। तो उनके रुपीज़ में वो 391 रुपीज़ थे, पाकिस्तानी सर 6 से ज़रब दे दे कितने बने सर, 391 को 6 से ज़रब में तो 3000 रुपये तक, ऐसे ही सर 2000 के 3000 रुपये, 400 ज़रबे 6 2300 रुपये का बिल था उसका। हमने बिल दे दिया, हम पूरा दिन फिरते रहे, ट्रैवल चीज़ें, वीलॉग्स बन रहे, 8-9 वीडियोस बना दी। शाम को रात को एक मैं सिख के रेस्टोरेंट में चला गया और मुझे कुछ खाना पीना था, वहाँ मैंने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद मैंने वो पाजी से कहा कि पाजी बिल, पाजी कहने यार मैं लुधियाने तो तानू फॉलो कर रहे हैं, मैं बिल नहीं लेना। मैं कह अल्लाह का वास्ता बिल ले लो, असी बिल दे के जाना। कहिंदा जी हुण साड़ी ताड़ी लड़ाई है, बिल को नहीं लेना। मैं कहा अच्छा एक काम करो, ये अपनी भरजाई नूं दिखा ते दिओ बिल किन्ना। सर बिल आया, पता बिल किन्ना सी, 391 रुपीज़। सर सिर्फ प्रॉब्लम ऐसी ना, यकीन नहीं करते औरत, तुसी सोचो जिहदी लत टुटी है उहदा प्लस्तर खुल गया, उन्हें सोटी फड़ी है और डॉक्टर उन्हें कहे सोटी छड़ दे तेरी लत ठीक है, वह कहिंदा नहीं मैं नहीं छड़नी। जे नहीं छड़ेगा सारी जिंदगी लत कमज़ोर रहेगी। सर उत्ते भरोसा तो करके अज करो, ये कल नहीं ठीक होना, अज जिहड़े वेटिंग ते बैठे ने अज दफ्तर वापस जाओ तो आजमा के देखो और उत्ते इशारा करके कहना या बारी ताला ए मस्कीन नाल कोई नहीं सी खड़ा, बंदे नूं नहीं दिखाना, सैल्फी नहीं खिंचनी, ए रब नाल वादा करो कि या बारी ताला बंदा तेरा आया है, ए मैं काम कर छड़िया। सर सौन तो पहले तुहानूं जवाब ना आया तो अगली बार मेरी वीडियो नूं तुसीं देखदे आ काटा मार देना, तुहानूं कासिम अली शाह दा नाम मिले तुसीं कहना माजरत मैं नहीं सुनना झूठ बोलदा। लेकिन मैं तवक्कल उहदे ते करके गल कर रहा, तुसीं अजमा के देखो तुहानूं रात तो पहले जवाब ना आया, तुसीं मैनूं अज तो बाद माजरत कर देना, वह गैरत वाला रब है। सर मैं मस्कीन जहा बंदा है तो मस्कीन घर तो आया, मेरी माँ तो प्यू की गैरत है वे कि नाल के घर तो खीर आती सी ना, वह भांडा रख लेंदे सन, कहें सन कुछ पकेगा तो भेजांगे, खाली भांडा नहीं भेजना, तो सर वो रब तुहानूं खाली भेजेगा। एक मस्कीन की है सोच है कि जिहड़ी प्लेट आई उन्हें खाली नहीं भेजना, कुछ पकेगा तो भेजांगे ताकि नाल दे घर खाली भांडा ना जाए, तो ताड़ा अथरों कबूल नहीं करेगा, ताड़ी कोशिश कबूल नहीं करेगा। और इख्तियार भी वो जिहड़ा उन्हें दिता है, सर आपको स्टेट ने जो इख्तियार दिया है वो उसने इख्तियार दिया है, इख्तदार आला तो उसका है ना, पढ़ते हैं 8वीं क्लास से पढ़ते हैं, असल तो मालिक रब है। ओत तो हमने उस बेस पर लिया कि स्टेट के पास जो पावर है वो भी मालिकुल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है। और उसकी अदा देखिए आप, कुर्बान जाइए, उसकी सनद मेरे रसूल ने दे दी कि जब एक बंदा उसके खौफ से आंख में मक्खी के सर के बराबर आंसू ले आता है, मक्खी के सर के बराबर, अल्लाह उसको बख्श देता है। हजूरे वाला हमें पेश जिमनियाँ नहीं करनी उसके सामने, हमें पर्चे नहीं पेश करने, हमने अपने सर्टिफिकेट उसके सामने नहीं पेश करने, उसके सामने तो सिर्फ तरला पेश हो सकता है, उसके सामने तो अथरू पेश हो सकते, उसके सामने तो सजदा पेश करें, उसके सामने तो वर्दी को ऐसे खींच के वजू करके ठंडे पानी से खड़े हो जाए, ज़रा दो नफल पढ़े जाके दफ्तर में थाने में कि आज से मैं एक नया SHO हूँ, आज से मैं नया DSP हूँ, आज से मैं नया सब इंस्पेक्टर हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं उसका बंदा हूँ, फिर ये वर्दी और फिर ये ओहदा है। सर आज आप आजमा के देखें,
आपको मैं दावे से कहता हूँ इस आज की डाक का जवाब आपको आज आएगा इंशाल्लाह। ये मैंने बड़ी दफा आजमाया, यकीन करें बड़े अफसर ऐसे वापस पलट के आके हाथ चूमते हैं, कहें शाह जी उसी दिन आ गए जवाब। मैं क्या मैं अपने भी हफ्ते बोले नहीं है मंत्री जी, समझ आ गई है कि वो उसे वेले भेज देंदा है, वो तो इंतजार नहीं करता। और जो कदम इंतजार कराए भी तो याद रखना फिर थोड़ी प्लेट नू बड़ा प्लेट करके तो ज़्यादा भेजदा। कंपाउंडिंग इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट्स, ये हम पढ़ाते हैं जाके क्लासेस में सिविल सर्विस एकेडमी और इदारों में। जब वो इंतजार कराता है अपने बंदे को कि नहीं वेट कर, एदा मतलब है उन्हें वो सोचा जो तुसी भी नहीं सोचे, उन्हें वो देना जो तुम्हारी औकात भी नहीं है। और सादी शराजी फरमाते हैं अल्लाह से कभी मांगने लगे हो अपनी औकात देख के ना मांगना, उसकी शान देख के मांगना। वो शान वाला रब है, उसे तब बुरा लगता है उसका बंदा जब मांगता नहीं है, थोड़ा मांगता है। मांगना ज्यादा मांगे, थोड़ा क्यों मांगना है? और मांगना है तो खैर मांगे। और वासिफ साहब का जुमला है, मांगना है तो मत मांगे। जिसको मत मिलती है उसको रास्ता मिलता है, मत ना मिले तो रास्ता सामने होता है, बंदा अंधा हो जाता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।